अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारी बुक कंप्लीट हो चुकी है। सारी बुक की हमारी ट्रांसलेशन जो 13 लेसन थे उनकी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसमें जो ग्रामर है वो मैं आपको करवाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। तो आज सबसे पहले जो हमारे सामने चीज़ आई है वो है काज और इफ़ेक्ट। काज और इफ़ेक्ट के बारे में बाज़ुकात कोई एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ के बनने की वजह बनती है, ठीक है। जब कोई काम हो जाता है या होने लगता है या होने वाला होता है, वो क्या होता है? असर होता है, वो किसी ना किसी चीज़ का इफ़ेक्ट होता है। कोई ना कोई काम के होने की वजह होती है, बगैर वजह के कोई काम नहीं होता। जैसे पहले भी आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, फिर उसके बाद हम इसको कंप्लीट करेंगे। मसलन आप खाना खाते हो, क्यों खाना खाते हो? क्योंकि आपको भूख लगती है, ठीक है। आप पानी पीते हो, किस लिए पीते हो? क्योंकि आपको प्यास लगती है, ठीक है। आप मतलब कोई बस स्टॉप पे खड़ा है, क्यों खड़ा है? क्योंकि वो कहीं जाना चाहता है। और इसी तरह से कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, आप अगर डॉक्टर के पास जाते हो तो क्यों जाते हो? क्योंकि आप बीमार होते हो। तो इसी तरह कोई एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ के बनने की वजह बनती है, ठीक है। जो काम हो जाता है या होने वाला होता है या होने लगता है, वो क्या होता है? इफ़ेक्ट होता है, वो किसी ना किसी चीज़ का इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। अब हम इन जो हैं ये सेंटेंस हैं इनके ट्रांसलेशन करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। जैसे ये देखें, द अरब्स वर्शिप्ड आइडल्स। अहले अरब के रहने वाले बुतों की पूजा करते थे, ठीक है। ये असर था, किस बात का इफ़ेक्ट था ये? बिकॉज क्योंकि देवर इग्नोरेंट, क्योंकि उनमें जहालत थी, वो जाहिल थे, ठीक है। वजह क्या थी? वजह क्या थी? क्योंकि वो जाहिल थे। और उसका असर क्या हुआ, उनकी जहालत का असर क्या हुआ कि वो बुतों की पूजा करने लगे, ठीक है। इसी तरह क्रूएल प्रैक्टिसेस ऑफ अरब्स स्टॉप्ड, ज़ालमाना रवैये जो थे अहले अरब में रुक गए, ठीक है। किस वजह से रुक गए? मतलब ये काम हो गया, ये चीज़ें रुक गई। क्यों रुक गई? क्योंकि इस्लाम बिगेन टू स्प्रेड, क्योंकि इस्लाम फैलना शुरू हो गया। जब इस्लाम फैलना शुरू हो गया तो ज़ालमाना जो रवैये थे उनके वो रुक गए, ख़त्म हो गए, उनमें वो कम हो गए। द अरब्स वांटेड टू किल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहले अरब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारना चाहते थे, ठीक है। ये किस बात का असर था? क्यों मारना चाहते थे? क्योंकि बिकॉज हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़ अलोन, क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले थे। जब उन्होंने आपको अकेले देखा तो फिर वो आपको मारना चाहते थे, ठीक है। अकेले देखने का असर क्या हुआ कि वो आपको मारना चाहते थे। द ओल्ड वुमेन, बूढ़ी औरत थ्रू फेंकती थी रबिश कूड़ा ऑन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बूढ़ी औरत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कूड़ा फेंकती थी। बिकॉज क्योंकि शी वाज अगेंस्ट ऑफ इस्लाम, क्योंकि वो इस्लाम के खिलाफ थी। अगेंस्ट एस भी आएगा, अगेंस्ट ऑफ इस्लाम, क्योंकि वो इस्लाम के खिलाफ थी। अगेंस्ट AGAINST, ठीक है। अगेंस्ट खिलाफ थी, क्योंकि वो इस्लाम के खिलाफ थी, इस वजह से वो आप पर कूड़ा फेंकती थी। यानी कि इस्लाम के खिलाफ होने से उसका असर क्या हुआ कि वो आप पर कूड़ा फेंकने लगे, और वजह क्या थी? वो इस्लाम के खिलाफ थी, ठीक है। इसी तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विजिटेड द ओल्ड वुमेन। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बूढ़ी औरत से मिलने गए, ठीक है। बिकॉज क्योंकि शिवा सिख, वो बीमार थी। काज ये बीमार होना क्या थी? वजह, बीमार होने की वजह से वो बीमार थी, इस वजह से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बूढ़ी औरत को मिलने गए। ये आपको समझ आ गई होगी कि कोई एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ के बनने की वजह बनती है, ठीक है। आप मिसाल के तौर पर जब कोई चीज़ खाते हो, ठीक है, अगर आप अच्छे तरीके से नहीं खाते तो क्या हो जाता है? फिर उसका असर क्या होता है, ठीक है। तो आपके हाथ गंदे हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने अच्छे तरीके से नहीं खाया, इसलिए फिर क्या हुआ, आपके हाथ गंदे हो गए, ठीक है। तो ये बहुत आसान है, इसको बस समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये काज और इफ़ेक्ट के बारे में है, बहुत आसान है।
और इसको बार बार सुनिएगा तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ आ जाएगी। अच्छा, अब हम सेंटेंस के बारे में करते हैं। पहले हमने काज और इफ़ेक्ट के बारे में किया था, अब यहाँ पे आ जाता है सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? फिक्रा। अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस क्या होता है? वर्ड्स का ग्रुप होता है। और वर्ड्स क्या होते हैं? लेटर्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? वर्ड्स। और जो वर्ड्स का ग्रुप होता है, जैसे ये सारे देखो, एक वर्ड ये है, एक ये है, एक ये और एक ये, इस तरह वर्ड्स मिलके क्या बनाते हैं? पूरा एक सेंटेंस बनाते हैं। और वो सेंटेंस होता है जिसकी जिसमें आपकी एक मुकम्मल सोच और आपका कोई ख्याल या कोई स्टेटमेंट, कोई हकीकत बयान की जाती है, जिसमें एक वाज़े बात होती है, ठीक है, एक मुकम्मल बात होती है। ऐसा नहीं होता कि आपको बात की समझ ना आए कि कोई फर्द जो है वो आपसे क्या कह रहा है। अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेसिज अ कम्प्लीट सेंस और आइडिया। इट बिगन्स विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप। जो सेंटेंस होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और उसका एंड किस पे होता है? फुल स्टॉप पे होता है। और सेंटेंस में हमेशा पूरी बात होती है, एक वाज़े बात होती है, इनकम्प्लीट बात उसमें हरगिज़ नहीं होती। जैसे ये मैं आपको अब दिखाती हूँ सेंटेंस। जैसे है, मैनी चिल्ड्रन, बहुत से बच्चे, मैनी चिल्ड्रन बहुत से बच्चे लाइक एनिमल स्टोरीज, जैसे बहुत से बच्चे जानवरों की कहानियाँ पसंद करते हैं, ठीक है। जो सेंटेंस ये इसमें पूरी एक बात है, वाजे बात है, और ये देखें कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है और एंड इसका फुल स्टॉप पे हो रहा है, ठीक है। सम ऑफ द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स बिलो आर सेंटेंसेज एंड सम आर नॉट। इधर बहुत सारे वर्ड्स दिए हुए हैं जिनमें से कुछ सेंटेंस हैं और कुछ सेंटेंस नहीं हैं। जो सेंटेंस होंगे उसको उसके आगे आपने एस लिखना है, और जो सेंटेंस नहीं हैं उनके आगे आपने एन एस लिखना है, नॉट सेंटेंस लिखना है। दे वर अफ्रेड ऑफ देयर नेबर्स, वो अपने हमसायों से खौफज़दा थे, ठीक है। ये देखें स्टार्ट इनका कैपिटल लेटर से हो रहा है और एंड फुल स्टॉप पे हो रहा है, तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये एक कंप्लीट सेंटेंस है और इसमें पूरी एक वाज़े बात है कि वो अपने हमसायों से खौफज़दा थे। ये देखें टाइम बिफोर इस्लाम, इस्लाम से पहले टाइम, कुछ नहीं बताया कि इस्लाम से पहले जो टाइम था वो कैसा था और उसके बारे में क्या कोई बात कर रहा है, ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है। और देखें स्टार्ट इसका स्मॉल लेटर से हो रहा है और एंड पे कोई फुल स्टॉप भी नहीं है, तो ये क्या है? नॉट सेंटेंस, ये कम्प्लीट सेंटेंस नहीं है। अब है बरी देयर न्यूली बॉर्न डॉटर्स अलाइव, डॉटर्स अलाइव, वो अपनी बेटियों को, नौजायदा बेटियों को, या पैदा होते ही अपनी बेटियों को दफन करना, तो इसमें ये नहीं बताया गया कि कौन इस तरह से करता था, ठीक है। और इसका स्टार्ट हो रहा है स्मॉल लेटर से, कैपिटल लेटर नहीं है, एंड पे बेशक डॉट है, फुल स्टॉप है, लेकिन स्टार्ट जो है वो कैपिटल लेटर से नहीं है। और ये भी नहीं बताया कि कौन ये काम कर रहा है, तो ये क्या है? नॉट सेंटेंस। द अरेब्स वर्शिप्ड आइडल्स, अहले अरब बुतों की पूजा करते थे। ये देखिए स्टार्ट इसका कैपिटल लेटर से और एंड पे क्या है? फुल स्टॉप है। पूरी एक बात वाजे है कि अहले अरब बुतों की पूजा करते थे, ये क्या हो गया? सेंटेंस। इस्लाम टॉट लव एंड पीस, इस्लाम मोहब्बत और अमन का दर्स देता है, इसमें एक कंप्लीट बात है, तो ये क्या हुआ? सेंटेंस। इसका स्टार्ट कैपिटल लेटर से और एंड फुल स्टॉप पे हुआ। उम्मीद है आपको सेंटेंस की समझ आ गई होगी। ये बहुत आसान है, ज़रा ध्यान से सुनिए तो आपको समझ आ जाएगी और आपको फिर चूज़ करने में भी, ये सेंटेंस और नॉट सेंटेंस चूज़ करने में आसानी रहेगी। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, जुमले की इकसाम। जैसे जैसे जुमले की इकसाम जो भी लेसन्स में आती जाएंगी, नेक्स्ट लेसन में भी हैं, कुछ दो इधर दी हुई हैं, दो अगले लेसन में हैं, तो जैसे जैसे आती जाएंगी चीज़ें वो मैं आपको करवाती जाऊँगी। तो यहाँ पर इन्होंने दी हुई है डिक्लेरेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। डिक्लेरेटिव बयानिया जुमले के होते हैं, डिक्लेरेटिव को असर्टिव भी कहते हैं। आ डिक्लेरेटिव सेंटेंस मेक्स अ स्टेटमेंट, जो एक पूरा बयान होता है, पूरी एक बात होती है, पूरी एक हकीकत बयान की होती है, उसमें कोई अधूरी बात नहीं होती कि जिसको आप समझ ना सको, मतलब कोई ऐसी बात नहीं होती कि जिसकी आपको समझ ना आए कि ये क्या कह रहा है, ठीक है। इसमें पूरा एक बयान होता है, पूरी एक हकीकत होती है,
और डिक्लेरेटिव में जो सेंटेंस हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, मस्बत भी होते हैं और मनफी भी होते हैं, ठीक है। आर डिक्लेरेटिव सेंटेंस एंड्स विद अ फुल स्टॉप, और डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं उसका एंड किस पे होता है, हमेशा फुल स्टॉप पे होता है, और उसमें मुकम्मल वाजे बात होती है, ठीक है, जिसे आपको समझने में कोई मुश्किल नहीं होती। जैसे एग्जाम्पल, माई फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर मी, मेरे दोस्त मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है, ये भी डिक्लेरेटिव है। और अगर ऐसे होता है माई फ्रेंड्स आर नॉट वेटिंग फॉर मी, मेरे दोस्त मेरा इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, तो ये भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस होना था, क्योंकि इसमें सेंटेंस जो हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, मस्बत भी होते हैं और मनफी भी होते हैं, ठीक है। ये देखिए इन्होंने दिया हुआ है एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, अब है एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, आस्क अ क्वेश्चन, अब है इंटेरोगेटिव सवाल किया, सवाल किया जुमले, उसमें सवाल किया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क, और ये सबसे ज़्यादा आसान है इंटेरोगेटिव को समझना। एक तो ये है कि इसमें कोई बात पूछी जाती है, कोई सवाल किया जाता है किसी से, और इसका एंड किस पे होता है, क्वेश्चन मार्क पे, और जिधर आपको क्वेश्चन मार्क नज़र आ जाए आपने फ़ौरन से टिक लगा देना है कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ये आपको ढूंढने में मुश्किल नहीं होगी। एग्जाम्पल्स, आर यू हैप्पी टूडे, क्या आप आज खुश हो, तो अब आपने ये एक्सरसाइज दी हुई है, आपने बताना है कि जो सेंटेंस डिक्लेरेटिव हैं उनके आगे आपने डी लिखना है, और जो इंटेरोगेटिव हैं सवालिया हैं उनके आगे आपने आई लिखना है। अब दिस वाज अ रेगुलर डेली इवेंट, ये बकायदा उसका रोज़ाना का मामूल था, ये पूरी एक बात है, पूरा एक बयान है, पूरी एक हकीकत को वाजे किया गया है, तो ये कौन सा सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव। अब है व्हाट डिड ही फाइंड, व्हाट डिड ही फाइंड, उसने क्या पाया, जो उसको व्हाट डिड ही फाइंड, उसने क्या पाया। अच्छा अब ये देखें, अगर आपको सवाल मतलब ट्रांसलेशन भी नहीं आती, आपको कुछ भी नहीं पता इसके बारे में, कम से कम इतना तो पता है कि एंड पे क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है इसके एंड पे, तो ये कौन सा हुआ, ये कौन सा सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव। व्हाट डिड ही फाइंड, उसने क्या पाया, इंटेरोगेटिव। द वूमेन थॉट, औरत ने सोचा, दैट ही हैड कम टू टेक हिज रिवेंज, कि वो उससे बदला लेने के लिए आया है, ठीक है। तो ये कौन सा, इसमें पूरी एक बात है, पूरी एक हकीकत को बयान किया गया है, तो ये कौन सा सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव, और इसका एंड किस पे हो रहा है, फुल स्टॉप पे। दो सेंटेंस इधर हैं, इट वाज द कमांड ऑफ अल्लाह, ये अल्लाह का हुक्म था, इट वाज द कमांड ऑफ अल्लाह, ये अल्लाह का हुक्म था, और एंड किस पे हो रहा है, फुल स्टॉप पे हो रहा है, और पूरी एक बात है, तो कौन सा सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव। अब है हु कैन सेव यू नाउ, अब तुम्हें कौन बचा सकता है, एंड पे क्वेश्चन मार्क है और स्टार्ट में क्या है, क्वेश्चन, ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया है कौन, तो ये कौन सा सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव। ये बहुत आसान है एक्सरसाइज, बस सिर्फ समझने की बात है, कोई भी बात हो उसको गौर से सुना करें, गौर से सुनेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।